हाय दोस्तों, आज अपन आया सो जो ब्रिज पे थमा टेम्पल। जब सर में जो देख रहे हैं वो चप्पल का स्टैंड है। ये मंदिर का दीवार, यहाँ मंदिर में बहुत सारे पब्लिक और टॉप 10 हैदराबाद में से ये भी एक है। यहाँ पे पब्लिक बहुत विजिट होते हैं और मंगलवार बहुत बोलते बहुत पब्लिक रश रहता है। ये मेन एंट्रेंस, अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा, मतलब डेवलप कर रहे हैं, और ये मेन एंट्रेंस है। अब अंदर जाके दिखाता हूँ मंदिर कैसा रहता। ये अंदर का पूरा ऐसे रहता मंदिर में। मंदिर के अंदर जो है ना, माता के सामने ये जो दिख रहा है, इसके नीचे हर 1 रुपी कॉइन, हर मतलब दर्शन करने आते से लोग 1 रुपी कॉइन लगा के अपने विश मांगते। विश मांगे सकत वो कॉइन सेट ठहरा तो 100% उसका विश पूरा होता बोल के यहाँ का मान्यता है। ये मंदिर में और एक खासियत क्या है बोल तो, यहाँ पे हैदराबाद में जुबलीस में पेद्दम्मा टेम्पल के नाम से बहुत फेमस है। ये ऐसी 1 रुपी कॉइन ठहरा के ट्राई करते, सो ठहरा तो उनका विश कन्फर्म हो जाता, नहीं तो फिर भी नहीं बोल सकते वो अभी ऊपर वाले के हिसाब से। देख रहे ना, वालिसा ठहरना कॉइन 1 रुपी कॉइन वैसे ठहरा तो ही होता हो। यहाँ पे अब नए कार्स कुछ भी रहे तो भी पूजा करने पे फर्स्ट यहीं लेके आने को सोचते ज़्यादातर लोग। हैदराबाद में टॉप विजिट में से यही भी एक प्लेस है, टूरिस्ट भी आते हैं यहाँ पे ज़्यादातर, और फिल्म एक्टर सब भी यहाँ आते रहते दर्शन करने। तो बहुत बोल तो बहुत फेमस है यहाँ पे, ऐसा बंदे उनके कुछ भी विशेष रहा तो पूरे बाद में जूम कर रहा हूँ, माता अगर दिखे तो दिखाता हूँ इस तरह से। और अपने को मेन माता तो नहीं दिखा सकता मैं, ये पूरा उसके आसपास का लोकेशन है मंदिर के बाजू में का। तो ये मंदिर के बारे में और एक खासियत ये है कि ये जुबली इसमें और क्या बोलते हैं मेन फिल्म सिटी के इस पास में है। इसके बाद में आप बाजू आजू में भी और मंदिर से जाके देख सकते हैं, और मंदिर एकदम शांत अच्छा दिखता। मंदिर में आया बाद में बाजू में गौशाला भी है, वहां पे भी जा सकते हैं। और आजू बाजू में और 2-3 मंदिर जो है, मतलब मंदिर के अंदर ही दर्शन हुए बाद में मैं बाहर आया। और ये जो प्लेस है पद्मो माता टेम्पल वैसा रहते हैं सर से, लोकेशन रहता पूरा मंदिर के अंदर। बैठने को ये छोटा पार्क है सर का, मंदिर का प्लेस है। ये मंदिर का प्रसाद है लड्डू। मंदिर के मेन एंट्रेंस का ये पार पहले ऐसा एक रहता, ये भी मंदिर का है। कहा जाता है कि इन्होंने मंदिर को पहले बनाया था, मुझे इनका नाम तो अभी पता नहीं है, पता हुआ तो मैं कमेंट में लिख के रख दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ दोस्तों कमेंट और सब्सक्राइब कैसा भी करो, कमेंट करने से मैं मालूम होता।